वीडियो में बीच में रोक रहा हूं, अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। जैसे ये उनका एक नेता है, मुझे नाम नहीं पता है, और नाम पता करके भी मुझे क्या फायदा, मुझे जानकारी भी नहीं लेनी है। मैं नेताजी से एक बात कहना चाहता हूं कि तुमने कहा कि समय बता के बात करो, अबे तुम समय बताओ और तुम जगह बताओ। जहां तुम सबसे ज्यादा ताकतवर अपने को महसूस कर रहे हो, जहां तुम्हारी संख्या सबसे ज्यादा हो, वो जगह तुम बताओ। और मैं अपनी मां का दूध पिया हूं अकेले वीरू सिंह, तुम्हें तुम्हारी मां के छत्ती का दूध याद नहीं दिला दिया तो क्षत्रिय कुल में पैदा होना मेरे लिए किसी कलंक के बराबर होगा। तुम एक बार बोल के तो देखो, कह के तो देखो, तुम जगह बताओ। मैं ओपन तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम छोड़ो, तुमने बीजेपी को बोला, तुमने आरएसएस को बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम बीजेपी को बोलो, आरएसएस को बोलो, तुम नेता को बोलो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी हैसियत कैसे है कि तुम समाज, क्षत्रिय समाज को तुम बोल रहे हो? तुमने बोला अंग्रेजों के पुत्र, नाजायज पुत्र। अबे हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान का नाम भारत अगर पड़ा तो हमारे पूर्वजों के नाम पे है। इस धरती का नाम पृथ्वी है, हमारे पूर्वजों के नाम पे। इस देश का एक एक इंच हमारे पूर्वजों के खून से रंगा गया है। हमने हूण, यहूदी, मुगल, अंग्रेज सबके पिछवाड़े पे लठ मार के देश से दूर भगाया है। और तुम बता रहे हो कि अंग्रेजों की नाजायज औलाद, और नाजायज औलाद कौन किसकी है, इसका सर्टिफिकेट जाके डीएनए रिपोर्ट में देखो, जाओ जांच कराओ, पता चलेगा कौन किसकी नाजायज औलाद है। तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई? तुम चैलेंज की बात करते हो जगह की, मैं तुमको बोलता हूं तुम जगह बताओ, तुम तारीख बताओ। मैं सहारनपुर के जिला के कप्तान को और वहां के जिला अधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सामाजिक कुरूतियों को, ऐसे समाज के गंदे कीड़ों को तत्काल इन पे कार्रवाई करें। जिसने गोली चलाई है उन पे आप कार्रवाई करिए, उनको जेल भेजिए, लेकिन किसी जात विशेष को अगर कोई टारगेट करेगा तो चूड़ी पहन के नहीं बैठे हम लोग। जो जिस बात जिस तरीके समझेगा उसे समझाने के लिए कैपेबल है। और इस समाज को कतई उग्र कर मत करिए। मैं कप्तान महोदय से बोल रहा हूं, वहां के जिलाधिकारी सहारनपुर से बोल रहा हूं कि उग्रता मत करवाइए। ऐसा ना हो कि पूरे देश का क्षत्रिय समाज सहारनपुर कूच कर दे। अभी 15-20 दिन पहले